खबर दें आपको, सेंट्रल जेल कराची में कैदियों की अहलखाना के साथ ऑनलाइन मुलाकात से मुतालिक सेंट्रल की इफ्तिताही तकरीब हुई। निगरा वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं इलेक्शन के लिए तफसीली सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जा रहा है। मजीद तफसीलात मोहम्मद रजा की इस रिपोर्ट में जानते हैं। कराची सेंट्रल जेल के कैदियों से ऑनलाइन मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल। जेल में सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। पहले मरहले में ऐप के जरिए कैदियों से मुलाकात का शेड्यूल तय हो सकेगा। अगले मरहले में ऑनलाइन मुलाकात भी मुमकिन होगी। यहाँ पर जब लोग आते थे मिलने के लिए, अब जो नया ऐप डेवलप किया गया है और उसमें इनको सबको टैबलेट दिए गए हैं, उसमें ये पहले से अपनी अपॉइंटमेंट बना लेंगे। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इंचार्ज सहूलत सेंटर का कहना है ऑनलाइन ऐप के जरिए किसी कैदी से मुलाकात के लिए शेड्यूल तय करना आसान बनाया गया है। घंटों दूर से सफर करके आते हैं, उनको खाली हाथ वापसी जाना पड़ता है, तो इस चीज़ को हमने जो है वो डिजिटाइज करने के लिए अमेलियो कनेक्ट की एप्लीकेशन बनी है। ये कि आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, आप उस वक्त आके आराम से अपनी मुलाकात कर सकते हैं। कैदियों से मुलाकात की ऑनलाइन ऐप से अहले खाना की वक्त और सफरी अखराजात की बचत होगी। कैदियों से मुलाकात के लिए आने वालों के लिए जदीद एप्लीकेशन तो तैयार कर ली गई, लेकिन इस एप्लीकेशन से कितना फ़ायदा होगा यह आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ मोहम्मद रजा, आज न्यूज़ कराची।